हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स। और दोस्तों, गार्डनिंग का शौक रखने वाले लोग अक्सर बगीचे में तरह तरह के पौधे लगाते रहते हैं, और उसके लिए कभी वो उसकी कटिंग लगाते हैं, कभी नया पौधा खरीद के लाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे पौधे बताने वाली हूँ जो आप सिर्फ पत्तियों से उगा सकते हैं, तो नया पौधा लगाने का या कटिंग लगाने की सब झंझट ख़त्म, और आप इन पौधों को बड़ी आसानी से सिर्फ पत्ती से लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पौधा आता है वो है एलोवेरा का, जिसे घृत कुमारी भी कहा जाता है, और बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है, जिसकी कि मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको पत्ती से लगाने के लिए आपको इसकी पत्तियों को ले लेना है, और उसके बाद उनको सूखने के लिए रख देना है, और एक बार जब वो सूख जाएँ तो उसके बाद से आप उनको किसी भी पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए, और एक महीने बाद उसमें से आपकी बहुत अच्छी अच्छी सी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और आप उसको नई जगह रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, जो कि घर के लिए बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर भी माना जाता है, इसलिए इसको लोग अपने घर के अलग अलग कोने में रखना पसंद करते हैं। और एक रीज़न और है कि ये बहुत कम लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर प्लांट है। तो इसको आप पत्ती से ग्रो करने के लिए आप इसकी पत्ती लेकर उनको आप पानी में भी रख सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो उसको पॉटिंग मिक्स में लगा दीजिए कट करके, और फिर उसके बाद से जब आप बीच बीच में इसमें पानी स्प्रे करते रहिए, और इसको भी आप देखेंगे कि एक महीने बाद इसमें बहुत अच्छी रूट्स आ जाती हैं, जिनसे कि पूरा ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड प्लांट है जो कि पत्ती से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, वो है पत्थर चट्टा या कैलेंचू। ये प्लांट आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसके प्लांट की लीव्स पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, तो उन बर्ड्स को भी आप किसी गमले में डाल दीजिए, उससे भी नया प्लांट निकल आता है, या फिर आप इनकी लीफ को कहीं भी किसी नए पॉटिंग मिक्स में दबा दीजिए, तो उससे भी नया प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। नंबर फोर पर है जेड प्लांट, जो कि बहुत लकी प्लांट भी माना जाता है, इसीलिए ये मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। इस प्लांट को आप बहुत आसानी से लीफ से लगा सकते हैं, तो इसकी छोटी छोटी लीव्स को आप लीजिए और उनको आप पॉटिंग मिक्स में दबा दीजिए, तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से कुछ ही दिन में उनसे नया पौधा ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत आसान मेथड होता है जेड प्लांट को प्रोपोगेट करने का, या तो लीव से या इसकी कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।